हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने बताया था कि गुडविल के वैल्यूएशन की टोटल 4 मेथड्स हैं। आज हम ये मेथड्स डिस्कस करेंगे। उसमें से सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड, ये दोनों मेथड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, वैसे तो आपने ये पहले भी स्कूल लेवल में ये मेथड्स आपने पढ़ी होगी, फिर भी हम एक दो एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, फर्स्ट फर्स्ट जो हमारी मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, एवरेज प्रॉफिट मेथड में टोटल 2 मेथड है, एक है सिंपल एवरेज मेथड और दूसरी है वेटेड एवरेज मेथड। ओके, तो सिंपल एवरेज मेथड में गुडविल का फॉर्मूला जो है वो बनता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ओके, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको सम में दिया हो क्या होगा। ओके, पर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मालूम है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। जितने इयर्स का हमें प्रॉफिट दिया गया है उनको हम टोटल प्रॉफिट से डिवाइड कर देंगे। ओके, लेट्स डिस्कस। एक एग्जांपल है, ए बी एंड सी आर equal partners in a firm. Goodwill is to be computed on the retirement of A. It is provided in the partnership agreement that on the retirement of a partner, goodwill should be calculated on the basis of 3-year purchase. Okay, number of year purchase आपको दिया गया है 3 years of purchase of the average profit for the preceding 5 years. The profits and losses for the 5 years were as follows. आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया गया है। ओके, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट और लॉस दोनों दिया गया है। ओके, तो इन द सिंपल एवरेज मेथड फर्स्ट हमारा जो काम है, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मिलेगा तो ही हम गुडविल फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें सम में लॉस दिया गया है, ओके प्रॉफिट होगा तो वो टोटल प्रॉफिट हम प्लस करेंगे, अगर लॉस दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस। ओके, तो अगर हम टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करें तो कितना होगा, 10,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000 प्लस 15,000 माइनस 5,000। ओके, क्योंकि अगर कोई ईयर में हमारा लॉस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ईयर कितने दिए गए हमें, टोटल 5 ईयर्स है। ओके, तो डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आता है, तो 10,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000 प्लस 15,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। ओके, तो प्रॉफिट कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट 9,000। ओके, नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया कितना है, 9,000। अब बात करते हैं गुडविल। ओके, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू
क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ओके, एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया है कितना, 9,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको दिया गया है 3 इयर्स। ओके, तो टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल इज 27,000। ओके, ये क्या हुआ, हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें क्वेश्चन में जो आंसर फाइंड आउट करना है वो क्या है, गुडविल शुड बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द प्रिसाइडिंग 5 ईयर्स। द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द 5 ईयर्स वर एज फॉलोस। अब इसमें ए जो है रिटायर्ड हो रहा था। ओके, तो ए इज पार्ट ऑफ द गुडविल। गुडविल में ए का जो भाग है वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ए इज पार्ट इन द गुडविल। अब देखिए, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें सब में आपको दिया गया है ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। ओके, तीनों जो पार्टनर है अपना प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली एक दूसरे में बेच देते हैं। ओके, तो जो गुडविल है वो भी क्या होगा, तीनों के बीच इक्वली होगा। ओके, तो क्या होगा, जो टोटल गुडविल है 27,000 डिवाइडेड बाय हमारा पार्टनर्स जो है 3 पार्टनर्स है। ओके, तो एस पार्ट इन द गुडविल इज इक्वल टू 9,000। ओके, ना ये थी सिंपल एवरेज मेथड। अब बात करते हैं हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। ओके, दोनों मेथड सिंपल है, और आपने अगर आगे जो स्कूल लेवल में इसको देखा भी है तो ये इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, एक सम में आपको इसका ख्याल आ गया होगा। ओके, नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का जो फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ओके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको दिया गया होगा। अब बात करें वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ओके, कैसे फाइंड आउट करना है हम देखते हैं। चलिए, अब आपको दिया गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड आफ्टर 2 इयर्स परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ द लास्ट 5 इयर्स गिवन बिलो। ओके, आपको नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने दिए गए हैं, 2 इयर्स। ओके, अब हमें वेटेड एवरेज मेथड के बेस ऊपर हमें गुडविल फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। ओके, फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा वेटेड प्रॉफिट। ओके, क्योंकि वेटेड प्रॉफिट मिलेगा तो ही हम वेटेड सॉरी गुडविल फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, अब आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है ईयर्स 2010, 11, 12, 13 एंड 14, और उसका प्रॉफिट दिया गया है। फ्रेंड्स, अब इसमें ये सवाल है कि कब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज की जाएगी और कब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, तो अगर हमारा प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है, ओके, हमारा प्रॉफिट अगर हर साल इंक्रीज हो रहा है तो हम कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें देखिए, 2010 में हमारा प्रॉफिट जो था 10,000, उसके बाद इंक्रीज हुआ है 12,000, 15,000, 18,000, 25,000। ओके, 2014 तक ये जो प्रॉफिट है हमारा इंक्रीज ही हुआ है, तो इसमें हम कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, सिंपल एवरेज मेथड कब होगी, कि जब हमारा प्रॉफिट इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ओके, मान लो कि यहाँ पे 10,000 है, दूसरी साल 12,000 हो गया, और 2012 में अगर ये प्रॉफिट 11,000 हो जाता है। ओके, तो इसमें कौन सी मेथड यूज की जाती, सिंपल एवरेज मेथड। पर अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ओके, पिछले साल के हम रिपोर्ट देखें तो
तो हमारा प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे? वेटेड एवरेज मेथड। ओके, अब इसमें वेट कैसे देंगे? ओके, वेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट इंटू वेट इज इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट। अब इसमें वेट कैसे दिया जाता है? तो याद रखिए कि जैस जो भी ओल्ड ईयर होता है, ओके, ओल्ड ईयर जैसा होता है हम उसको कम वेट देंगे, और उसके बाद जो लेटेस्ट ईयर आता जाता है उसको हम ज़्यादा वेट देंगे। ओके, तो इस सब में ओल्ड ईयर कौन सा है? 2010, ओके, सबसे ओल्ड है, और उसके बाद 2011, 2012, ओके, वो जो ईयर है हमारे लेटेस्ट बनते जा रहे हैं। तो वेट कैसे देंगे? इंटू वन, कम वेट देंगे। ओके, जो भी ओल्ड ईयर है उसको हम कम वेट देंगे, उसके बाद इसको वेट देंगे 2 × 3 × 4 × 5। ओके, जो भी ओल्ड ईयर है उनको हम कम वेट देंगे। चलो, वेटेड प्रॉफिट तो 10,000 × 1 इज इक्वल टू 10,000, 24,000, 45,000, 72,000 एंड 1,25,000। ओके, नाउ अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ओके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। ओके, जो भी टोटल वेटेड प्रॉफिट आएगा ये उसके उसको डिवाइड करना है किससे? टोटल वेट्स। ओके, चलो, टोटल वेटेड प्रॉफिट अगर हम फाइंड आउट करें तो कितना होता है? तो 10,000 + 24,000 + 45,000 + 72,000 + 1,25,000 = 2,76,000। टोटल वेट देखा जाए तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15। ओके, ना टोटल वेटेड प्रॉफिट क्या होगा? 2,76,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट 15, तो क्या निकल के आता है? 18,400। ओके, अब गुडविल, तो गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ओके, तो जो टोटल हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 18,400 इंटू हमारा जो नंबर ऑफ ईयर परचेस, कितने ईयर थे? 2 ईयर्स। ओके, तो टोटल अमाउंट निकल जाएगी 36,800 हमारी गुडविल की वैल्यू बनेगी। ओके, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। ओके, इसमें दिया गया आपको, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड आफ्टर 3 ईयर्स परचेस। ओके, नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है? 3 ईयर्स। परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स गिवन बिलो। ओके, आपको इंफॉर्मेशन दी गई है लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट। अब यहाँ पे आप देखिए तो हमारे जो ईयर है वो आपको उल्टे दिए गए। ओके, इट मीन्स 2011, 2010, 2009, 8, 7। ओके, पिछली बार क्या था कि हमारा जो ईयर्स थे हमारे वो कैसे थे? 2010, 11, 12, 13 एंड 14। ओल्ड ईयर जो था पहले था। ओके, फिर लेटेस्ट, यहाँ पे क्या है कि लेटेस्ट आपको पहले दिया गया है और ओल्ड लास्ट में, तो हम वेट भी ऐसे देंगे। ओके, जो ओल्ड ईयर है सबसे उसको कम वेट देंगे और जो लेटेस्ट ईयर बनता जा रहा है उसको हम ज़्यादा वेट देंगे। ओके, तो यहाँ क्या होगा? वेट 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, जो भी हमें ये रूल्स याद रखना है कि जो भी
ओल्ड ईयर बनता है उसको हम ज्यादा वेट देंगे। ठीक है, चलो अब हम फाइंड आउट करते हैं 40,000 इंटू 5, 2 लाख, 1,20,000, 75,000, 40,000 एंड 15,000। फिर टोटल वेटेड प्रॉफिट तो 2 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 75,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 4,50,000। ये है हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट। और यहाँ पे टोटल वेट देखा जाए तो 50। ओके, अब एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, वेटेड और इसका फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल टोटल वेट, सॉरी टोटल वेट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट हमारा कितना था, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 15। तो हमारा जो एवरेज वेटेड प्रॉफिट निकल के आता है 30,000। ओके, नाउ गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो 30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस हमारे कितने थे, 3 ईयर्स। ओके, तो इंटू 3 ईयर्स तो गुडविल हमारी अमाउंट बनती है 90,000। ओके फ्रेंड्स, आज हमने दो सिंपल मेथड के बारे में डिस्कस किया। ओके, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनने वाली है, क्योंकि उसमें हम डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में जो मेथड पूछी जाती है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, तो अब जो भी लेक्चर आएंगे वो आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि अब जो हम सम आने वाले वो यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड हम सम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।